गुलबर्गा शहर में जमात इस्लामी हिंद की जानिब से वन मंथ समर कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें थर्ड स्टैंडर्ड से नाइन्थ स्टैंडर्ड तक लड़के और लड़कियों को मिलाकर कुल 180 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट कर कैंप को कामयाब बनाया है। 26 मई को समर कैंप का आखिरी दिन था और कंक्लूडिंग डे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर जमात इस्लामी हिंद के जिम्मेदारों ने इस कैंप के जरिए सोसाइटी में अच्छा मैसेज दिया है। इस समर कैंप में रोजाना स्टूडेंट्स को कुल 4 सब्जेक्ट पर पढ़ाया जा रहा था, जिसमें अकीदा, इस्लामियत, कैलोग्राफी और खेलकूद के साथ इस्लामिक माहौल में दीन और दुनियावी तालीम दी गई है। और इस समर कैंप में मोबाइल से होने वाले फायदे और नुकसान, पानी का इस्तेमाल, फजूल खर्च और दीगर कई अहम उनवान पर डिबेट्स कराए गए हैं। इस समर कैंप से जुड़ी और दीगर मालूमात के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हमारा मामला कैसा होना चाहिए? इंतहाई शफकत वाला मामला होना चाहिए, माफ करने का जज्बा होना चाहिए। माहिर तालीम जो मरकज के सेक्रेटरी हैं, उनका एक वीडियो देख रहा था मैं, जनाब सैयद तनवीर अहमद साहब का, वो वालदे से मुखातब होकर कह रहे हैं कि रोकना टोकना और ठोकना, रोकना टोकना और ठोकने का तरीके को छोड़ देना चाहिए। इसके बजाय हम बच्चों को वक्त देने का काम करना है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को वक्त दिया, बीबी हजरत अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को वक्त दिया, नतीजतन वो तैयार हुए। उनके मसाइल को हमने सुनने के लिए तैयार नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि बच्चों में काफ़ी ये समर कैंप में तब्दीली आई है, काफ़ी उन्होंने चेंजेस आए हैं। ये चेंजेस बरकरार रखना ज़रूरी है, इसके लिए इन लोगों को माहौल प्रोवाइड करना है। तो मैं एक मिसाल के तौर से आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप देखिए, आप महंगे से महंगा मोबाइल ले लें, जब तक कि आप उसको बार बार रिचार्ज नहीं करेंगे वो चलेगा नहीं। एक बार जैसे ही चार्ज खत्म हो गया, वो दो लाख का भी मोबाइल हो वो यूजलेस हो जाता है। इसी तरह आप ये बच्चे आपके इस एक महीने में फुल चार्ज रहें इस्लामिक वैल्यूज से और हर इससे। आप इनको यहाँ से जाने के बाद में आज के बाद इनको फिर आप उनको मसरूफ़ रखिए। मेरा ये समर क्लासेस में सेकेंड एक्सपीरियंस रहा। मैंने यहाँ पे रीडिंग और राइटिंग स्किल्स ली हैं। इस बार मैं फुल टाइम नहीं दे सकी, बस कुछ वक्त के लिए मैंने रीडिंग राइटिंग स्किल्स लिए हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी बच्चों में एज ऑलवेज बड़ा एंथुजियाज्म देखने को मिला। दे आर रेडी टू एब्जॉर्ब, जो भी आप उनको सिखाने के लिए रेडी है वो उसको लेने के लिए तैयार है। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि बच्चे जो है थोड़ा थोड़ा करके बेहतरीन होते गए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं, हमारे जो टीचर्स हैं उनकी भी बहुत, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को निभाया है, और यहाँ के जो इंचार्जेस हैं उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। और इसी के साथ मैं वालिदैन का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने इस शदीद गर्मी में भी इस समर कैंप पर लब्बैक कहा और अपने बच्चों के लिए दुनिया के साथ साथ दीनी और आखिरत की फ़िक्र की। अल्लाह बच्चों को अपने वालिदैन के आँखों की ठंडक बनाए और सवाब जारिया बनाए, आमीन। आर्ट के साथ भी आप जुड़ सकते हैं, आर्ट को अपने अंदर महसूस करते हुए, अपने फ़न को बाहर रखते हुए भी दुनिया में अपना नाम भी कमा सकते हैं, और उसके साथ साथ एक रेवेन्यू जनरेट करने का भी बहुत अच्छा मौका आर्ट के ज़रिए है। तो जैसे कि दो दिन का एक ये प्रोग्राम रहा स्टूडेंट्स को सिखाने का या सीखने सिखाने का, दोनों मौका काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा यहाँ पर रेस्पॉन्स दिया आर्ट के अंदर। बहुत ही खुशी से उन्होंने ये अपने टैलेंट को बताने की कोशिश की। यहाँ पर दो दिन के मौके में, दो दिन के वक्त पर जो भी सीखा है, हो सकता है शायद बहुत कम वक्त था। आने वाले दिनों में आपके स्कूल में जो भी टीचर्स आपको आर्ट सिखाते हैं तो आप उसको सीरियसली आप सीखिए, उसके ज़रिए आप अपने जो भी फील्ड में आप आगे बढ़िए, चाहे डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, कुछ बने, लेकिन आप आर्ट अपने आप में कायम रखिए बुढ़ापे तक। ये बहुत खुशी देने वाली चीज़ है। अल्लाह रहीम, अल्लाह को तो सलाम।
उन्वान है वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक। हमें माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करना चाहिए। अल्लाह के बाद इंसान पर सबसे ज़्यादा हक माँ बाप ही का है। कुरान मजीद में कई जगह पर माँ बाप के हक को अल्लाह के हक के साथ बयान किया गया है। हुसैन अमीर मुकाम जमात इस्लामी गुलबर्गा। आज एक समर क्लासेस का कैंप का आज आखिरी दिन था। हमने जमात इस्लामी गुलबर्गा की जानिब से एक महीने तक समर कैंप चलाया और इस समर कैंप में हमने थर्ड स्टैंडर्ड से लेकर नाइन्थ स्टैंडर्ड के बच्चों लड़के और लड़कियों को जो है ना यहाँ एडमिशन दिया। तकरीबन 180 बच्चे जो है ना इसमें एडमिशन लिए और लड़के लड़कियाँ सब एडमिशन लिए और हमने रोज़ाना चार पीरियड्स उनको जो है ना बच्चों टीचर्स को अपॉइंटमेंट करके जो है ना उनको पढ़वाते थे। हर पीरियड अलग अलग जो है ना उसमें बताया गया कि एक में इस्लामियात है, एक में खेल कूद है, एक में जो है ना कैलीग्राफी है और फिर कुरान है, तजवीद है, हदीस है, सीरत है। ये इस तरह के बहुत सारे जो है ना एक्टिविटीज़ भी, गेम्स है, बहुत सारे गेम्स भी जो है ना बच्चों को खिलाए गए और जिसकी वजह से बच्चों का एक ऐसा अट्रैक्शन महसूस हुआ कि बच्चे जो है ना इस कैंप को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थे। बाद बच्चों का तो मामला ये हुआ कि किसी टूर पर जाने वाले थे या
किसी और रिश्तेदार के घरों के नानी के घर या दादी के घर जाने वाले थे, लेकिन वो बच्चे ये कैंप को यहाँ का अट्रैक्शन देखकर जो है ना उन्होंने वो जाना भी अपना कैंसिल कर दिया। इस तरह से इसको इस कैंप को इस तरह से अट्रैक्टिव बनाया गया था कि बच्चे खुद अपनी दिलचस्पी से जो है ना यहाँ शरीक हों और उस शरीक होकर कुछ सीखें, इस्लामियात है सीखें, और जो भी काम यहाँ सिखाया गया उन बच्चों को वो कुरान और हदीस और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में जो है ना बताया गया, जिसकी वजह से एक तो उनको जो है ना मोबाइल की खराबियाँ और मोबाइल के अगर कुछ फ़ायदे भी हैं तो वह भी जो है ना डिबेट रखा गया था, फिर सीरत के तकारीर भी रखे गए और जो है ना मुख्तलिफ बच्चों को मुख्तलिफ किस्म के जो है ना डिबेट्स रख कर उनको पानी का इस्तेमाल किस तरह से करें, फजूल खर्ची ना करें और बहुत सारे एक्टिविटीज़ इस तरह रख कर जो है ना उनको बच्चों को एक अट्रैक्टिव प्रोग्राम दिया गया था, जिसकी वजह से यहाँ आज बच्चे पेरेंट्स और गुलबर्गा शहर के बहुत सारे लोग मर्द ख़वातीन यहाँ शरीक रहे, तकरीबन बहुत सारी तकरीबन 400-500 लोग यहाँ शरीक रहे और उन्होंने देखा कि जमात इस्लामी की जानिब से जो प्रोग्राम बनाया गया था बहुत ही बेहतरीन और मुनासिब प्रोग्राम बनाया गया था, ताकि जो है ना यहाँ दोबारा हम इंशाल्लाह इसको कोशिश करेंगे कि ऐसे प्रोग्राम जो समर कैंप जो मुसलसल जो हर साल समर कैंप इस तरह से अगर रख कर हम उनको जो है ना सही इस्लाम की तालीम देने की हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि इन बच्चों को सही जो है ना मुसलमान बनाए, सच्चा मुसलमान बनाए, झूठ से बचाए, बुराइयों से बचाए और उनके जो है इनके अंदर अच्छे अखलाक और किरदार पैदा फरमाए। रब्बाना तकबल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंत तवाब रहीम। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वसलामु अलैल रब्बिल आलमीन। मेरा नाम मोहिउद्दीन इलियास है और मैं इस समर कैम्प का कोऑर्डिनेटर था और अल्हम्दुलिल्लाह एक महीने से हमने जो कोशिश की है अल्लाह ताला उसका बहुत ही बेहतर रिज़ल्ट आज हमको मिला। काफ़ी बच्चे एंजॉय किए इस प्रोग्राम्स में और हर तरीके से हमने जैसा हमने कोर्स ही ऐसा डिज़ाइन किया था कि बच्चे सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि वो एक स्कूल का माहौल नहीं बल्कि एक एंजॉयमेंट के लिए आए। तो जैसा कि हम अमीर मुकामी ने बताया कि बच्चे अपने टूर्स और जो हॉलीडेज का जो प्लान था वो कैंसिल कर दिए, वो लोग कैंसिल करके इसको कंटिन्यू किए और बहुत सारा एंजॉय किया उन्होंने। हमने चार चीज़ों में डिवाइड किया था, चार टॉपिक्स में, अकीदा, इस्लामियात और जैसा कि मॉरल वैल्यू, सीरा, यानी कोई टॉपिक ऐसा ना इस्लामियात से छोड़ा ना दीनियात। दुनिया के स्किल्स डेवलपमेंट में भी बच्चों को माहिर होना चाहिए तो उस तरफ भी हम उनको क्लासेस लेके उसको ये किया, उनको बताया कि भाई क्या कौन से स्किल्स किस तरह से होना चाहिए। नमाज़ों की पूरी नमाज के जितने मसाइल थे वो पूरे एक मौलाना एक आलिम दीन से हमने उनको सिखाया। फिर इसी तरह स्पेशलिस्ट आर्टिस्ट हमारे डॉक्टर शाहिद साहब जो वेल नोन आर्टिस्ट हैं विजुअल आर्ट के, जो डॉक्टर हैं प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी में, उनको भी हमने मधु किया था, उन्होंने भी आके बच्चों को कैलीग्राफी सिखाई। उसी तरह तजवीद के क्लासेस ने हमने एक मौलाना अमीन हुसैन नदवी साहब से उनकी खिदमत अंजाम लिए। इसी तरह हर स्पेशल फील्ड के जहाँ जहाँ हो सकता हमने स्पेशलिस्ट को बुलाए और साथ ही टीचर्स जो भी थे हमने वेल ट्रेंड और एजुकेटेड टीचर्स को हमने अपॉइंट किया था और उन्होंने बखूबी उसका अपना हक अदा किया। अल्लाह से दुआ है कि हमारी इन कोशिशों को कामयाब करे और ये भी है कि हम इंशाल्लाह हम इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया है कि हो सकता है कि हम आगे और एक्सपेंशन करें और मुख्तलिफ मुकामात पे शहर के भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम सब अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस कोशिशों को कबूल फरमाए। मैं डॉक्टर शाहिद पाशा विजुअल आर्टिस्ट आर्ट की दुनिया में यहाँ पर गुलबर्गा में रह के कुछ काम करने का मौका मिल रहा है। साथ ही साथ मुझे मौका दिया गया हिदायत सेंटर में कि स्टूडेंट्स को आर्ट क्लास लें, आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड, कैलीग्राफी से रिलेटेड, मॉडर्न आर्ट से रिलेटेड काम यहाँ पे सिखाने का मौका मिला। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ गुलबर्गा हिदायत सेंटर का और यहाँ के सारे
काकुन और साहब का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि स्टूडेंट्स को आसानी से कुछ सिखाने का। और इसके साथ साथ यहाँ के बच्चों का इंटरेस्ट मैंने देखा कि बहुत सारा टैलेंट उनके अंदर भरा हुआ है, और उस चीज़ को हमें बाहर निकालने के लिए इस तरह के समर कैंप, इस्लामिक आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए चीज़ें और बहुत सारे एग्जीबिशंस कॉम्पिटिशन्स होना चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ के आवाम, यहाँ के स्टूडेंट्स, यहाँ के बच्चे हाईलाइट हो सकते हैं। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ गुलबर्गा हेडलाइंस का, जो इस मीडिया के ज़रिए यहाँ के स्टूडेंट्स के टैलेंट को, आर्ट को और यहाँ के प्रोग्राम्स को आप दुनिया में बता रहे हो। ये बहुत अच्छा काम है। और इसके साथ साथ यहाँ का दक्षिणी कल्चर जो है, यहाँ का जो आर्ट है, इस्लामिक आर्ट बहुत ही आगे बढ़ा हुआ काम है, जिसमें इंटरनेशनली लेवल में आप देखे जाएंगे तो बहुत सारे म्यूजियम्स में यहाँ के आर्ट, कैलीग्राफी, पेंटिंग्स, म्यूरल्स, बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पे एग्जिबिट, परमानेंट एग्जिबिट किया गया है। तो यहाँ के स्टूडेंट्स इधर का कैलीग्राफी आर्ट हो या इस्लामिक आर्ट हो या मॉडर्न आर्ट हो, काफ़ी सारे बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे आर्टिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, तो इसका फ़ायदा उठा सकें। तो इसी तरह से ये जो समर कैंप रहा, सक्सेसफुल रहा, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें खुद से उन्होंने अपने आर्ट को बनाया है, पेंटिंग बनाया है, कुछ लोगों ने यहाँ पर भी बनाया है, तो उसी का एग्जीबिशन नीचे लगा हुआ है। तो इसी तरह के एक्टिविटीज़ चलते रहें। जज़ाकल्लाह खैर। मैं मदीहा अमन, करिकुलम कोऑर्डिनेटर समर इस्लामिक क्लासेस 2024। समर क्लासेस की जानिब से कुछ अपने बातें, अपने ख्यालात रखना चाहती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये एक महीने का समर कैंप बहुत ज़बरदस्त हुआ है। 150 प्लस स्टूडेंट्स ने इसमें पार्ट लिया और बहुत सारे स्टूडेंट्स विलिंग भी थे आगे आने के लिए, लेकिन सीट्स फुल होने की वजह से हम लोगों ने उनका एडमिशन नहीं लिया। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हमने उन्हें इस पर सिखाई, जैसे कि मॉरल वैल्यू सिखाए हैं और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाया गया, और बहुत सारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स जैसे लालच है, हसद है, या ऐसी चीज़ें जो माशरे में जो ख़राब चल रही है, वो सब चीज़ें हमने इसमें इंक्लूड किया है। इसके अलावा बच्चे बोर ना हो, इसके लिए हमने उन्हें एक्टिविटीज़ बहुत सारे लिए हैं, बहुत सारे गेम्स हर रोज़ होते थे, प्लस उनका इंटरेस्ट बढ़े इसके लिए हमने सीड्स प्लांटेशन और जो है डिफरेंट तरह के उनको एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखा है, जिससे उनका इंटरेस्ट भी बढ़े और वो इन्वॉल्व भी रहें। गर्ल्स के लिए कुकिंग विदाउट फायर और बहुत सारे गेम्स उनको रखा गया है। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह मैं पेरेंट्स का जो है शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने अपने बच्चों को भेजा यहाँ पे, हमारी टीम ने बेस्ट दिया उनके लिए और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स हमने अपने स्टूडेंट्स में देखे हैं ये एक महीने के अंदर में। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी इस साल अपने बच्चों को ज्वाइन नहीं कर पाए, जमात इस्लामी हिंद की तरफ से होता है ये, तो नेक्स्ट ईयर अपने बच्चों को जो है ज़रूर एनरोल करें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।